Hello friends, this is Vinay Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Vinay Singh Seller. आप सभी का मेरे YouTube channel पर स्वागत है. जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से promise किया था कि मैं अपनी next video में dry dock experience लेकर आने वाला हूँ, तो हमने लगभग 6-7 दिन हमें लगा ये वीडियो शूट करने के बाद एडिट करने में. और क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी टाइम भी होता है वो उसी टाइम होता है, ताकि हमारी ड्यूटी भी असाइन होती है. और जब ये वीडियो शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि कोई भी जब शिप नेविगेट होती है या फिर कोई ऑपरेशन होता है, तो जैसा कि हमारी जो ड्यूटी होती है उसके हिसाब से हमें अपना जॉब भी करना पड़ता है. तो हमारे पास कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा पर्सन तो ऑनबोर्ड है नहीं कि जो वीडियो शूट करे, या कोई कैमरामैन तो है नहीं. तो एनी हाउ आई मैनेज टू कैप्चर ऑल द वीडियोज एंड फोटोज ड्यूरिंग द ड्राई डॉक. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर. फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा अच्छी तरह से. बट आई एम श्योर कि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू कम इन टू पार्ट. दिस इज लाइक बिफोर एंड आफ्टर. So this video is going before dry dock. So how the vessel is entering in the dry dock, what procedure we have to follow, and how the vessel moving in the dry dock. So this is all about the dry dock. अभी कैसा है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि dry dock क्या, जैसे कि अभी जो merchant navy में है या जो merchant navy students हैं उन्हें तो मालूम है कि dry dock क्या होता है. But जो merchant navy के बारे में नहीं जानते हैं या जिनका merchant navy की field से दूर दूर से relation नहीं है, या जिनके फैमिली में कोई सेलर नहीं है, मरीनर नहीं है, सीमैन नहीं है, तो आप उनको ड्राई डॉक एक वर्ड ही नया लग रहा होगा. तो ड्राई डॉक दोस्तों, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ड्राई डॉक ये वर्ड सेम वैसे ही है जैसे आपके पास कार है, बाइक है. तो अगर आपका कार बाइक अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप किधर जाते हो रिपेयर कराने के लिए, आप लेके जाते हो गैराज में. तो हमारा जो शिप होता है, तो शिप का भी एक तरह से ड्राई डॉक गैराज होता है. ड्राई डॉक इसलिए बोलते हैं कि वो ड्राई वर्ड से ही आपको मालूम चलता है कि एक ड्राई प्लेस होता है जहाँ पर वाटर नहीं होता है. जैसा कि आपको मालूम है शिप का मेंटेनेंस जो होता है वो हमारा 365 डेज चलता रहता है. जो भी रहते हैं क्रू होता है शिप पे, वो लोग अपना ड्यूटी करते रहते हैं. जो भी है क्लीनिंग, चिपिंग, पेंटिंग, उसको जहाँ जहाँ उनको कैप्टन ऑर्डर देता है उसके हिसाब से हर रोज़ का रूटीन होता है, वो अपना करते रहते हैं. बट जो शिप साइड होता है, जो पार्ट शिप का पानी में हमेशा डूबा रहता है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पानी में डूबा रहेगा. तो वो कब मेंटेन होगा, जब वो पानी के ऊपर आएगा. जब शिप पानी के ऊपर आएगा, पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्राई डॉक में वेसल आता है. तो रेगुलेशन होता है 2.5 years का रेगुलेशन होता है एज पर IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कि एनी वेसल हैव टू डू ड्राई डॉक विद इन 2.5 years. बट सारी कंपनियां रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, कुछ कंपनी स्केप कर जाती हैं, कुछ 3-4 साल करती हैं. और ये वीडियो मैंने बहुत बार सर्च किया है ड्राई डॉक एक्सपीरियंस, तो बहुत कम ड्राई डॉक एक्सपीरियंस का वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे. बिकॉज कि ऐसा टाइम होता है कि वीडियो शूट करने का टाइम किसी को नहीं मिलेगा. जो भी ऑफिसर होंगे वो ड्यूटी टाइम में रहेंगे तो वो वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते. तो मेरे दिमाग में वो पहले से चल रहा था कि मैं ये ड्राई डॉक वीडियो शूट करूंगा. मुझे काफ़ी उसको शूट करने में प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी है. ऐसा कि मैं अभी सेकेंड ऑफिसर हूँ तो मेरी भी ड्यूटी असाइंड है. मुझे मूरिंग स्टेशन का इंचार्ज रहता हूँ ड्यूरिंग द मूरिंग ऑपरेशन. और जब हम सेलिंग में होते हैं तो मैं ब्रिज पे होता हूँ, असिस्ट करता हूँ कैप्टन और पायलट को. तो वो मेरी ड्यूटी उस समय होती है, तो मैं बहुत हार्ड होता है कि मैं कैप्चर करूँ. फिर भी मैंने अपने कैप्टन से परमिशन लिया और मैंने एनी हाउ मैंने इसको मैनेज किया कि मैं वीडियो शूट करूँगा. इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने 3-4 लोगों की हेल्प ली, जिसमें मेरा सबसे बड़ा जो आप हेल्प कहोगे मेरे चीफ कुक एलन एंट्री ने हेल्प किया. सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम ओनली. एंड ये पर्पज इसका यही था कि ये वीडियो कैसे भी पूरी बननी चाहिए अच्छे से, ताकि लोगों को पता चले ड्राई डॉक में कैसे शिप जाता है और ड्राई डॉक होता कैसे है. तो दोस्तों ये पूरी वीडियो आप देखिए, आपको अच्छा एक तरह से काफ़ी मज़ा आएगा और आपकी जो नॉलेज होगी वो ग्रो होगी, क्योंकि ड्राई डॉक मैं श्योर कि ड्राई डॉक का एक्सपीरियंस ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए. तो ये जो आपकी वीडियो, ये मैं काफ़ी इसको मैं कट करके, चूँकि हम लोग को डेटा भी बहुत कम मिलता है एज़ पर द रेगुलेशन. इवन आपको पता है कि कंट्री हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते हैं तो डेटा चार्जेस भी काफ़ी हैवी होते हैं. तो ये मैं कैसे भी इस वीडियो को पूरी मैं अपने लिमिट के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है और इसको अपलोड करने का मुझे प्रॉपर टाइम मिल पाए. तो मैंने किसी भी तरह काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो शूट किया है. तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरा वीडियो देखें. और मैं उन सभी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने वाले जो भी लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको अगर कोई किसी भी तरह का गाइड चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे कैन
कमेंट मी और दे कैन टेक्स्ट मी, आई विल असिस्ट देम डेफिनेटली। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि बस आप वीडियो देखें, पसंद करें, और अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन रेज करें। तो लेट ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों ऐसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो प्लेटफॉर्म आपको फ्रेम में दिख रहा है, ये है हमारा फ्लोटिंग डायडॉक। इसको फ्लोटिंग डायडॉक बोलते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। तो अभी ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये पानी के ऊपर है, पानी के बाहर है। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये एक तरह से टैंक होता है जिसमें कि हम वाटर फिल करते हैं, और जो वाटर फिल होता है तो ये नीचे बैठता है और वो प्लेटफॉर्म पूरा नीचे पानी के अंदर चला जाएगा। तो जब ये नीचे ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है फ्रेम, ये जो वाटर लेवल के ऊपर है, तो ये जब नीचे बैठ जाता है इसके बाद जो है सिप उसके अंदर जाती है विथ वाटर। और जब ये सिप जो अंदर जाती है, जब उसके बाद क्या है कि फिर वो जो टैंक में जो पानी की जो साइड जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा एक तरह से टैंक है। अभी जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने टाइम लैप्स में शूट किया, अब ये देखिए वाटर धीरे धीरे फील कर रहा है और ये जो है नीचे प्लेटफॉर्म बैठ रहा है। आपको दिख रहा होगा वो सामने वाला जो प्लेटफॉर्म था वो नीचे पानी के अंदर चला गया है, तो ये अभी फीलिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है। और ये जितना हमारे सिप का ड्राफ्ट होता है उसके बराबर ये नीचे जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है फ्रेम, चूँकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसके लिए मैंने इसको टाइम लैप्स में लिया है। तो ये आपका अभी हम ये देखिए आपका ये जो आपको फ्रेम में आ रहा है, ये हमारा मूरिंग हो रहा है। हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, सिप को मूव कर रहे हैं और हम अभी डॉक में जाने, क्योंकि आपको दिखा डॉक में पानी भर चुका है, प्लेटफॉर्म पानी के नीचे आ चुका है। और ये जो सारे पर्सन हैं, कुछ इसमें आपको हमारे सिप के हैं और कुछ ये देखिए आपको मैं टाइम लैप्स में शो कर रहा है, ये हमारा सिप अब ये यहाँ से हट रहा है और अभी यहाँ से हम मूव करके डॉक में इंटर करेंगे। ये आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म और ये हमारा ये टग बोट्स हैं। तो अभी हमारी सिप को 5 टग बोट्स ने टो किया हुआ है, क्योंकि एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप डॉक में जाते हो तो आपका इंजन यूज़ नहीं होता है, आपका सारा जनरेटर बंद हो जाता है, मतलब ब्लैक आउट हो जाता है, सब कुछ बंद रहता है। और ये देखिए मैं हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें किसी एंगल से मैं शूट कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सब क्लोज करना पड़ता है, जो आपका कुछ भी इक्विपमेंट आपके सिप का यूज़ नहीं होगा। इंजन बंद रहेगा, जनरेटर बंद रहेगा, सब कुछ ब्लैकआउट रहेगा। और टग जो होते हैं, टग बोट क्या होती है, वो बहुत पावरफुल बोट होती है जो सिप को टो करती है, जो खींचती है या मूव कराती है। तो अभी हमारी सिप को 5 टग बोट ने टो की कर रखा है, 2 स्टार बोर्ड और 2 पोर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ द जनरेटर। या वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ जनरेटर बिकॉज़ वी कांट रन द इंजन। देन हाउ डू वी गेट द पावर सप्लाई? द पावर सप्लाई वी विल गेट फ्रॉम द सोर्स। वंस वी विल रीच द राइड ऑफ फ्रॉम द सोर्स वी विल गेट द पावर सप्लाई। दिस इज योर प्रूफ? Yeah, he is the ABDK, he is the Deepak Kumar. Oiler, but he is helping us, he is assisting us for mooring operation because we want more crew right now for going in. Okay, this is the tug pulling? Yeah, these are the tugs. Because of the help of the tug, we are going inside. We can't use the engine, we can't run the engine. Don't do it. Go down. Yeah.
मेरा वीडियो है क्या? सिंगापुर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमें ड्राई डॉक पर्सनल ने जो भी क्रू है उन्होंने रोप दिया है, तो हम उनकी रोप को अपनी शिप से टो कर रहे हैं। अभी वो क्या करेंगे कि इसको विंच पे अपनी विंच पे चढ़ाएंगे। विंच क्या होता है, एक बहुत पावरफुल मोटर होती है जिसपे रोप को लपेटेंगे और उसको फिर हीव अप करेंगे। हीव अप बोलेंगे तो खींचेंगे, उसके सहारे जो है हमारी शिप जो है अंदर की तरफ मूव करेगी। आपको पूरी You can see every day we are doing the COVID test, there's an antigen test every day. All the crew morning we have to make the report and we have to send to the dry dock personnel. And as well we have to use all the time the mask. We can't go outside, we can't step out from the vessel for in any condition. Okay. You need to wear whole time mask? All the time once you come out from your accommodation you have to wear mask all the time. That inside of the ship, what about inside? Inside the ship, if you are all crew together, no need to use because you all are together living, so no need. If any person come outside, you have to make sure they are also wearing the mask and they have sanitized their hands. Well. तो हाफ ऑफ द पार्ट जो है शिप का वो ड्राई डॉक के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो प्लेटफॉर्म है हमारा, हाफ ऑफ द शिप अंदर आ चुका है और जो टग्स हैं वो सामने से हमें पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा और पार्ट हमारा पीछे जाना बाकी है, तो ये पूरी वीडियो आपको इसमें दिखेगा कैसे जाए। फिर मैं इसमें टाइम लैप्स भी थोड़ा एडिट करके रखा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कैसे शिप एंटर हो रहा है। जिस साइड में आप देख सकते हो ये पूरा ये ऐसा सिंगापुर का ड्राई डॉक है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ फॉरवर्ड में, ये आप देख सकते हैं ये हैं, इन्होंने रोप दे रखी है, ये रोप के सहारे शिप को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। अब ये पीछे से आप देखो, बस ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म है, ये जो आपको ब्रिज सा दिख रहा है ये क्या है कि जब शिप ड्राई डॉक में लग जाएगी तो जो भी क्रेन्स या फिर जो भी छोटी छोटी मशीनें आती हैं वो इसी ब्रिज के थ्रू आएंगी। तो अभी ये जो आपको पीछे एक रोप दिख रही है ये साइड में, ये रोप भी शिप को पुल करने के लिए पीछे की तरफ पुल कर रही है और आगे से जो है हमारी टग बोट्स जो हैं वो हमारी शिप को पुश कर रही है पीछे की तरफ। तो अभी ये वीडियो आप आगे देखते रहिए, आपको पूरा अच्छी तरह समझ आएगा। जैसा कि अभी मैं आपको ये जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है तो ये रोप उस पर आपको दिख रहा है मूव हो रहा है, ये विंच है। तो ये जो रोप से इन्होंने शिप को टो कर रखा है वो रोप से ये हीव अप कर रहे हैं शिप को, तो शिप क्या है कि पीछे की तरफ मूव हो रही है और सामने जो है टक्स वो पुश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही सेफ्टी प्रोसीजर होता है। He has the responsibility.
please tell your experience. How is the first time I can see the blackout condition. Are lucky. You are first. This is your first vessel, and you got the dry dock experience. Yes, yes. I'm feeling so much blessed right now. Sagar, what about your blackout condition? Well, you can go and check in engine room right now. No light is there. Emergency light also? Only emergency light is there. Sorry, come, please come. कि आप देख सकते हैं कि अभी ये रोप को अब टर्न कर रहे हैं हम अपने विंच पे, और अभी ऑलमोस्ट शिप जो है अपनी पोजीशन पर आ चुका है। हमारा लगभग पूरा पार्ट शिप का डॉक के अंदर आ गया है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये सारा टेंशन रोप पर आ गया, यानी पूरा जो लोड है शिप का वो रोप पे आ चुका है। हम वहाँ से दूर हटेंगे। ये स्नैपबैक जोन है, स्नैपबैक जोन आपका एरिया है जहाँ पे आपको रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट शिप जो है सिर्फ पोजीशन पे है। अभी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी मुझे लगता है होगी, उसके बाद हमारा ये ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ड्राइवर अंदर आएंगे, ड्राइवर जो होते हैं वो जाएंगे अंदर और वो चेक करेंगे कंडीशन ऑफ द प्रोपेलर और हमारे रडर का कंडीशन चेक करेंगे, और कुछ वो फोटोग्राफ्स अंडर द वाटर वो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी करेंगे। तो अभी ऑपरेशन फिनिश हो गया है, और अभी जैसा कि वेसल अपनी पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ड्राइवर अंदर जा रहे हैं, ड्राइवर आ गए हैं। ड्राइवर जो हैं ये जाएंगे नीचे अपना चेक करेंगे कि रडर कैसा है, शिप का प्रोपेलर कैसे कंडीशन में है, बाकी वो वीडियोग्राफी करेंगे अंडर द वाटर, फोटोग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आएगा कैप्टन के पास, वो सारी फ़ोटोज़ वीडियोग्राफी वो बताएंगे कि क्या हल की कंडीशन कैसी है, नीचे का पार्ट किस कंडीशन में है जहाज़ का। तो अभी आप देख सकते हैं कि दो ड्राइवर हैं, अभी दो ड्राइवर अभी आ चुके हैं, ये देख रहे हैं रेडी हो रहे हैं, और ये जाएंगे नीचे। ये सब कुछ चेक करने के बाद जब इनकी एक रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद जो है ये पूरा पानी जो है पम्प आउट होगा, यानी कि ये पानी जो है ड्रेन हो जाएगा, और फिर जो है पूरा नीचे का आपको सूखा हुआ पार्ट दिखेगा, ड्राई हो जाएगा, और शिप जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर अभी ऑलमोस्ट अंदर चले गए। ये देखिए अब तीसरा ड्राइवर आ रहा है, और ये देख रहे हैं कि अब ड्राफ्ट ये पानी का पूरा ड्राफ्ट है, जहाज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है, ड्राइवर अंदर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो ये एक रिपोर्ट बनाएंगे, जो अपने रिपोर्ट देंगे कंपनी को, कैप्टन को देंगे, कैप्टन कंपनी को देगा कि हाँ भाई हमारा हल का क्या कंडीशन है, नीचे का पार्ट का प्रोपेलर किस कंडीशन में है, हमारा रडर किस कंडीशन में है। तो सारी चीज़ें ये सब होने के बाद फिर ये जो है पंप आउट होगा वाटर का। तो ये है अभी का कंडीशन, आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा ड्राफ्ट आपको दिख रहा है, शिप का ड्राफ्ट, ये पूरा अभी इसमें वाटर है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा अभी आपको ड्राफ्ट दिख रहा है यहाँ पे कितना है, ये 768 69 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मीटर्स का ड्राफ्ट दिख रहा है। तो अभी धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म पर आ गया है शिप, अभी ये धीरे धीरे पानी को पम्प आउट करेंगे। तो ये तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिप का जो है पूरा ये ड्राई डॉक का जो है पूरा वाटर पम्प आउट हो चुका है, शिप जो है वाटर से बाहर आ चुका है। ये देखिए आपको मैं आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह से, ये देखिए नीचे से मैं आपको शूट कर दिखा रहा हूँ ये वीडियो,
ये देखिए आप शिप का ये रडर है, आपका प्रोपेलर है, ये पूरा पार्ट जो था ये शिप का हमेशा डूबा रहता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मर्चेंट नेवी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये जो आपको ब्लेड सा दिख रहा है, ये जो चार ब्लेड लगे हैं इसको प्रोपेलर बोलते हैं, जो घूमता है, तो इसकी हेल्प से शिप जो है आगे की तरफ या पीछे की तरफ होती है। और इसके पीछे जो है वो रडर है, एक तरह से उसका आप बोल सकते हैं स्टीयरिंग है। तो ये मेरा शिप है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये पार्ट हमेशा पानी में डूबा था, इसके लिए इसकी मेंटेनेंस नहीं होती। ये मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ ड्राई डॉक में हो सकता है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, मैं इसके बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा जब दिखाऊंगा कि आफ्टर ड्राई डॉक वेसल कैसा दिख रहा है, कैसा कैसे मेंटेन हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक बार सिर्फ जब ड्राई डॉक से बाहर निकलेगी तो फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिली। नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा आपके बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई YouTube चैनल, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।